नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. एक बेंच पीछे हो जाओ बेटे. आप एक बेंच पीछे हो जाओ. बेंच आगे कर लो ना. तो ये डन कर चले अगले पे. बी क्विक, हरी अप, नोट इट डाउन क्विकली. कैसे? हाँ वो अब यहाँ चाहे मैं यहाँ एंगल बना लूं, चाहे यहाँ बना लूं, बनना सर्कमफ्रेंस पे चाहिए तो इक्वली. और ऐसे सेगमेंट्स ऑल्टरनेट होंगे. मतलब एंगल अगर मैंने इधर वाला लिया है तो इधर बनेगा. लेट अस सपोज कि अगर मैं ये वाला एंगल ले लेती तो यहाँ बनाना था. सेगमेंट अगर ये ली ना मैंने, तो ये वाली सेगमेंट में एंगल जो है कॉर्ड के साथ टेंजेंट का ये बन रहा है. तो अब ऑल्टरनेट सेगमेंट ये हो गई उसकी, तो इधर बनना चाहिए. मतलब ओपोजिट साइड पे आप कह सकते. ठीक है, हो गया बच्चे. चले अगले पे. नेक्स्ट हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर थ्री सर्कल्स विद सेंटर्स ए बी सी टच ईच अदर एक्सटर्नली. तीन सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो तीन सर्कल्स बना लो. रेडियस हमें नहीं गिवन, इक्वल है या अनइक्वल है, तो आप जनरल लेके चलोगे. बड़े छोटे भी आप बना सकते हो. These are touching each other externally. तो मैंने ये सर्कल्स बना लिए जिनके सेंटर्स, हाँ जी, ए बी एंड सी. इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है 5, देन आई एम गिवन बी सी इज 7 एंड सी ए इज 6. सी ए 6 गिवन है, बी सी 7 गिवन है. यानी कि द साइड्स आर गिवन टू बी 5, 7 and 6. ए बी 5, बी सी 7. We are to find the radius of the circle with center C. Radius of the circle with center C. इसको मैं P मान लेती हूँ, इसको मैं Q मान लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं R मान लेती हूँ. तो सी क्यू या सी आर आई हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, अब A B मुझे टोटल कितने गिवन है? 5 गिवन है. तो मैं क्या करूंगी, इसको अगर मैं X मानती हूँ तो ये मेरे पास 5 - x आ जाएगा. ये पूरा मुझे कितना गिवन है? 7 गिवन है. 7 में से ये 5 - x है, तो ये पोर्शन कितना रह जाएगा? 7 में से 5 - x आप सब्ट्रैक्ट कर दो. ये देखो, ये है, ये सर्कल था, ये सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है. ये रेडियस है ना दोनों का, रेडियस है. तो ये अगर मैंने 5 - x माना है तो ये भी 5 - x होगा. अब ये पूरी साइड आपके पास 7 थी, जिसमें से ये पोर्शन 5 - x है, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 7 में से 5 - x आप सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, अब ये x है तो ये भी x होगा. ये पूरा कितना गिवन है आपको? AC 6 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 - x. बट ये CR और CQ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो इट मींस ये और ये दोनों इक्वल होंगे. तो दोनों को इक्वेट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, सो यहाँ पे आप ले लोगे, लेट AP इज इक्वल टू x. किसी को भी ले सकते हो, चाहे BP को ले लो, चाहे AP को ले लो, दैट इज योर विश. एक कोई एज्यूम करके चलना. So let AP is equal to X, then BP is equal to AB minus PB, PA. So this is 5 - x. AC is equal to 6, AQ X. So QC हो जाएगा आपका 6 - x. Same way में BC जो है वो हमें 7 given है. इधर से बी आर जो है दैट विल बी इक्वल टू बी पी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो बी पी आपका 5 - x आ गया. यहाँ पे लिख लो बेशक. उसके बाद सी आर जो है दैट इज ए सी माइनस बी आर. यहाँ आर है,
सो ए सी सेवन है, बी आर आपके पास फाइव माइनस एक्स है, तो दिस इज सेवन माइनस फाइव प्लस एक्स, दैट इज टू प्लस एक्स. अब x प्लस टू और जो इधर से ये सिक्स माइनस एक्स है, यानी कि सी क्यू एंड सी आर रिप्रेजेंटिंग द सेम रेडियस, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो इनको इक्वेट कर दोगे. आपको सी क्यू निकालना है. सो दिस इज 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, सी क्यू इक्वल टू सी आर, हमने वैल्यूज पुट की, सी क्यू 6 माइनस एक्स था, तो यहां से सिंप्लीफाई करके 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x 2 है, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C निकालना था, तो सी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज 4 सेंटीमीटर. क्लियर? किसके? बेटे तब भी ये चीज तो लेके चलनी पड़ेगी ना, आपको एज्यूम तो करके चलना ही पड़ेगा, उसमें आपके एक्स सारे कैंसल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि पैरामीटर तो उतना ही रहेगा, वहां से आप अगर उसको इक्वेट करते हो पैरामीटर के भी, तो एक्स यहाँ पे क्या है, ये टू एक्स है, ये माइनस एक्स करके माइनस टू एक्स आ जाएगा, यहाँ ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, एक्स सारे कैंसिल हो गए, कोई फायदा नहीं होगा ना उससे आपको. चलें अगले पे, हो गया नोट डाउन, ये स्टेटमेंट समझ आ गई इसमें क्या था आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल है, हमने पहले भी किया हुआ है. प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल जो है दैट इज इक्वल. तो क्या करोगे, दो ट्राइंगल्स बनती है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो. हाँ जी, कर लोगे, करवाने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट बताएंगे अब आप मुझे. इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ बी इज 125 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी. फिगर हमें गिवन है, यहां ये सर्कल है, ये डायरेक्ट ऐसे इंटरसेक्टिंग नहीं आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना. इसको थोड़ा सा मैं और चेंज कर देती हूँ. हाँ जी, सेंटर ओ गिवन है हमें, ये फिगर है, यानी कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है कि आप वर्टिकली ऑपोजिट उनको ले सको. हमें ये एंगल 120 डिग्री गिवन है, वी आर टू फाइंड दिस एंगल. सीओडी क्वेश्चन है हमें, गिवन है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ बी इज 125 डिग्री देन फाइंड एंगल सीओडी, और कुछ नहीं गिवन. फिगर ध्यान से देखो क्या बन रही है, कहाँ, तो क्या होगा, इस तरह का 10.2 में क्वेश्चन था हमारे पास, एंगल्स एट द सेंटर. हाँ यस, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो सप्लीमेंट्री होंगे ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी. एक एंगल 125 डिग्री गिवन है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्रीज. सिंपल. हाँ जी,
देखो हमें गिवन होता है अगर सर्कल जो है वो किसी क्वाड्रिलेटरल की जो है मतलब आप कह लो कि इन सर्कल बन रहा है, इंस्क्राइब हो रहा है उसमें, या कोई क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो एंगल्स मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. एंगल्स मेड बाय द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी और सी डी, ये सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों साइड से उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. ये हमें 125 डिग्री गिवन है, तो आपका दूसरा एंगल आ जाएगा 55 डिग्री. यस ऋषभ. मैम वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एड्रेस किया था, मैंने उसमें से पूछना था पूछो आपसे। बेटे पूछो. एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू सी योर हैंड, तो यू कैन आस्क नाउ. मैम उसकी मैम फिगर एक बार बना लो फिर पता लग जाएगा। उसकी फिगर बच्चे हमारे पास ये थी, वी वर गिवन द थ्री सर्कल्स, यही था. मैम ये वाला नहीं, इससे भी सब वाला। फर्स्ट वाला था जो विद मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड वाला. मैम उसमें जो अल्टरनेट वाला था मैम, उसमें पूछना था कि पीएबी और एसीबी कैसे इक्वल हुए। हाँ मैं बता देती हूँ, ये हमें कॉर्ड गिवन थी, दिस वाज ए दिस वाज बी, ये टेंजेंट्स थे. इधर मैंने ये पॉइंट लिया था पी, और ये पॉइंट हमने लिया था क्यू, और इधर हमने पॉइंट लिया था सी. देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड का इस टेंजेंट के साथ, फर्स्ट वाला था जो, इस टेंजेंट के साथ ये एंगल बन रहा है. तो अगर मैं बात करूं तो मेरा इस सेगमेंट में एंगल बन रहा है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट जो मेरी बन रही है दैट इज दिस वन. तो इसमें सर्कमफ्रेंस में ये एंगल सी बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स आपके एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट हैं, तो इक्वल हो जाएंगे. सेम वे में अब अगर हम टेंजेंट लेके चलते हैं ये वाला, तो इस वाले टेंजेंट का इस वाली कॉर्ड के साथ ये एंगल बन रहा है, ये आपकी कॉर्ड है, तो इस सेगमेंट में एंगल बन रहा है. तो अगेन सेम कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के साथ आपका जो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे. गॉट इट. इज यस दिस मैम, थैंक यू ओके? मैम। ओके बच्चे, एनी अदर डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो नेक्स्ट सिंपल सा है. अ रेक्टेंगल विद वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद डायमीटर 5 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल विद लेंथ 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद डायमीटर 5 सेंटीमीटर. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. बताना, एक मिनट, लेट हिम टेल. चलो मेहुल, क्या फाइंड आउट करना है मेहुल? अच्छा, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. हमें गिवन है रेक्टेंगल गिवन है विद वन लेंथ 4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर. अब बताओ, एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर. सर्कल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है. हमें पता है रेक्टेंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है. इट मींस जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है दैट इज द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, अब ये राइट ट्राइंगल बन गई, ये 4 है तो ये भी 4 आ गई, ये साइड 3 आ गई. यू कैन फाइंड आउट द एरिया. हाँ जी. अब फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इफ ए पी इज 10 सेंटीमीटर. ट्राइंगल गिवन है मुझे ए बी सी, बोलना बहुत जरूरी है. मास्क लगा के रखो बेटा,
मैं आपके लिए नहीं, चलो दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए कह रही हूँ बस। उम्र तो जिसकी जितनी है उतनी ही रहनी है, मास्क लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, बट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस, कुछ जो रूल्स हैं प्रोटोकॉल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो। चलिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इफ ए पी इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ए पी हमें 10 गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीन्स ए बी प्लस सी। चलो ओके, ए क्यू बी 10 आ जाएगा बिकॉज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट बी पी इज इक्वल टू बी आर हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ना, यूज नहीं होना वो, हाँ ऐसे ही सी क्यू इज इक्वल टू सी आर आ जाएगा आपका। इसमें हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, ए बी प्लस बी सी की जगह वी विल राइट डाउन बी आर प्लस आर सी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी हाँ यस बी पी इक्वल टू बी आर है, ठीक है। ये और ये आप जब ऐड करोगे ए बी प्लस बी पी जो है दैट इज इक्वल टू ए पी, ये आपको 10 गिवन है, और सी क्यू प्लस सी ए, ए सी प्लस सी क्यू करोगे दैट इज इक्वल टू ए क्यू, वो भी आपको 10 गिवन है क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट सेम है, तो जो इसका पेरीमीटर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा देखो, हमें ए पी गिवन था, हमें ए क्यू गिवन था, जब हमें एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स गिवन होते हैं तो ये लेंथ दोनों केसेस में सेम होती है, एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट पे सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो लेंथ सेम होती है, तो ए पी 10 है तो ए क्यू भी आपका 10 आ जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मुझे निकालना है, मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने क्या किया, बी सी को स्प्लिट कर लिया बी आर प्लस आर सी से, कर सकते हैं क्योंकि आर पॉइंट बी सी पे है, तो ये बन गया ए बी प्लस बी सी को स्प्लिट किया बी आर प्लस आर सी प्लस सी ए। अब अगर मैं इस सर्कल को देखूं तो बी पॉइंट एक्सटीरियर में है, तो बी आर और बी पी इज अगेन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, तो दोनों इक्वल होंगे, तो बी आर को मैंने रिप्लेस कर दिया बी पी से। क्लियर है ये स्टेप, ये दोनों लेंथ इक्वल है तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब इधर लो सेम वे में, सी पॉइंट से सी आर और सी क्यू लेंथ इक्वल है, तो मैंने सी आर को सी क्यू से रिप्लेस किया। ये रिप्लेसमेंट मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ए बी में मैं जब इसको ऐड करूंगी तो ये लेंथ मुझे गिवन, सेम वे में ए सी में जब मैं ये लेंथ ऐड करूंगी तो ये मेरे पास है, तो ये हमने रिप्लेसमेंट्स की, ये दोनों वैल्यूज थी हमारे पास, तो आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। आपने पैटर्न देख लिया होगा पेपर का, टोटल 14 क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें से 6 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स वाले हैं, 4 क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स वाले हैं, 4 क्वेश्चंस भी 4-4 मार्क्स वाले हैं, 4-4 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे। केस स्टडी बेस में अगेन 1-1 मार्क क्वेश्चंस आर नॉट देयर, 2-2 मार्क्स के हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने करना है, यानी कि 1 मार्क वाला कंसेप्ट आपका टोटली खत्म है, ठीक है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन हमारा, हमें गिवन है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स इन द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी, सी डी इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट क्यू। तो जो जो हमें गिवन है फिगर अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल है आपके पास, पी एक एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है और पी ए और पी बी आपको टेंजेंट्स गिवन है। अब इसमें यहाँ पे फिगर गिवन है, अगर फिगर गिवन नहीं होगी
तो आपको इस तरीके से आएगा कि फ्रॉम ऑन पी ए एंड पी बी टू पॉइंट सी एंड डी आर सच दैट, कि सी डी जो है दैट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. तो आपको पी ए और पी बी पे पॉइंट सी और डी इस तरीके से लेने होंगे कि ये टेंजेंट बने. वैसे यहाँ पे फिगर गिवन है तो उन्होंने सिंपली इतना दे दिया कि सी डी इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल. अब हमें जो गिवन है डायमेंशंस वो देखो. पी ए हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, पी ए 12 सेंटीमीटर, देन क्यू सी इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. बताते हैं, दिस इज योर पॉइंट क्यू. देन वी आर गिवन पी, वी आर टू फाइंड पी सी प्लस पी डी. सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरीके से बन रहा है. तो यू कैन सी कि स्टेटमेंट किस हिसाब से चेंज हो सकती है. ये सम निकालना है मुझे. पी ए मुझे गिवन है 12, तो पी बी भी 12 आ जाएगा. ये पूरा 12 आ गया. ये मुझे 3 गिवन है, ये भी मुझे 3 गिवन है, तो ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया. अब ये पूरी 12 है, 12 में से ये 3 है, तो ये कितनी रहेगी, यहाँ पे भी कितनी रहेगी, तो दोनों का सम कितना आ गया. ठीक है, सेम प्रीवियस वाला कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है. आया हुआ है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन करवाया. देखने में जब स्टेटमेंट सामने आती है तो लगता है कि पता नहीं क्या करना है, बट जब कंसेप्ट क्लैरिटी है तो यू कैन डू इजिली. चलो अब अगला, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लो, मीन्स सर्कल्स विद द सेम सेंटर. जब बनेगी ना तब बात करना, अभी चुप. टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी. टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू दीज सर्कल्स. एक्सटर्नल पॉइंट हमें गिवन है पी. मैं इसीलिए चुप हो गई हूँ, वो लोग निकल जाएंगे, देन आई विल स्पीक. यहाँ से आप देख सकते हो कि पॉलिटिशियंस जो है उनको अपना मतलब पता है. ये नहीं दिख रहा कि स्कूल है तो इस एरिया में दिन में ना जाएं जब तक स्कूल लग रहे. ओके, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू दीज सर्कल्स रिस्पेक्टिवली. ये हमने ड्रॉ कर लिए. रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले सर्कल आपको गिवन था जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था उस पे पी ए ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था उस पे पी बी आपने ड्रॉ करना है. समझ आ गई. जब हमें रेडियाई गिवन है, 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल का रेडियस पहले मेंशन किया हुआ है, 3 सेंटीमीटर वाला बाद में किया हुआ है, तो पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन रिस्पेक्टिवली आ गया. तो इट मीन्स पहले वाला 5 सेंटीमीटर के साथ, क्योंकि 5 पहले गिवन था, दूसरे वाला 3 के साथ, क्योंकि 3 आपका बाद में गिवन था. Now what we are to find out, we are given if PA is 12 centimeter, then find the length PB. ये मुझे 12 given है, I have to find out this length PB. किसको? ये एंगल 90 डिग्री है. हाँ, ओ बी इज 3, ओ ए इज 5. ओ बी 5 है, 3 है, ओ ए 5 है और पी ए 12 है. अब बताओ पी बी निकालना है. कुछ प्रूव नहीं करना, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी. एक एक करके, हाँ लगेगी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, फिर सारे बोल. कहाँ
अच्छा ओके ये टू आ गया, कहाँ क्या आएगा, कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। आंसर मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है दैट इज पी बी इज 4√10। क्यों 160? हाँ तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये लाइन ऐसे स्ट्रेट हम लेके चलें, क्योंकि इसका टेंजेंट अलग बन रहा है और इसका टेंजेंट अलग बन रहा है। गॉट माई पॉइंट? इसीलिए ताकि आपको मैं पॉइंट आउट कर सकूं। ये पॉइंट बी हो गया, चलो आप क्लियर है। कौन सा? ये फाइव है, ये थ्री है, मुझे क्या निकालना है? पी बी आई हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है मेरा, और यहाँ पे ये एंगल 90 है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल में से आप ये ओ पी निकाल लो, ठीक है, कितना आएगा 12 और 5 के साथ 90 के अपोजिट हाइपो 13 आ जाएगा। ओपी ये 13 है, अब ये 3 है, ये निकालना है। ओपी 13 है, ओबी 3 है, और बीपी हमने निकालना है। 169 माइनस 9, 90 के अपोजिट हाइपो है ना। ठीक है जी, क्लियर। सो ये वाले क्वेश्चंस एक बार घर जाके दोबारा रिवाइज करवाना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपलर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क योर डाउट।